बाबू आप नमस्ते आइए ना अंदर आइए। कनक के घर आई भाभो, साथ में शगुन भी लाई भाभो। सीरियल तू सूरज में सांझ पियाजी में उमा के हृदय परिवर्तन की शुरुआत हो गई है। आज भाभो वेद और शगुन के बहुत सारे सामान के साथ कनक के ससुराल पहुंच गई है, जिन्हें देखकर मासी सा को होती है हैरानी। मासी सा की हैरानी को खत्म करने के लिए भाभो देती है उनके सवाल का जवाब। भाभो कनक के ससुराल में वेद और पलक के रिश्ते का शगुन लेकर पहुंची है। ये सुनते ही मासी सा के तेवर चढ़ जाते हैं। शगुन बेटियों वास्ते लाया जाता है, बहुओं वास्ते को नहीं। फिर भाभो खोलती है वो राज जिसे सुनकर घर में मौजूद हर शख्स हो जाता है हैरान, क्योंकि किसी और ने नहीं बल्कि उमा शंकर ने ही भाभो से की है वेद और पलक के रिश्ते की बात। तभी सीन में होती है एंट्री उमा शंकर की, जिसे देखकर मासी सा सुनाती है खूब खरी खोटी। और फिर उमा देता है अपनी सफाई। आदित्य ने आज तक कोई भी पति धर्म नहीं निभाया, इसीलिए आदित्य घर के बेटे नहीं है और ना ही पलक आदित्य की बीवी है। पति की सुरक्षा, पति को सम्मान, पति की जिम्मेदारियों है और आदित्य ऐसा कोई भी कर्तव्य पूरा नहीं किया, तो जो इस घर परिवार का हिस्सा नहीं उसकी निशानी का इस घर में कोई काम नहीं। आइए अब उमा शंकर के पास चलते हैं और आज के इस पूरे ड्रामे के बारे में जानते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि पायल खुश रहे। पायल ने बहुत कुछ सहा है इस घर में। आदित्य ने जो पायल के साथ किया और जो कनक के साथ किया, उसके बाद मुझे वेद और पायल के बारे में पता लगा कि वेद पायल को पसंद करता है, तो मुझे लगा कि पायल के लिए वेद एक सही लड़का है, तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं उसकी पायल से शादी करवा दूं। भाई उमा ने घर में बदलाव की शुरुआत कर दी है और ये सब देखकर कनक बेहद खुश है। क्यों कनक, सही कहा ना हमने? एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उमा शंकर से, क्योंकि उमा शंकर कई बार ऐसी चीजें कर देते हैं जो कनक को शॉक करके रख देती, जैसे कि इन्होंने इंग्लिश भी बोली थी, वो तो खैर एक छोटा सा ट्रेलर था लाइक दैट। और अभी अभी इन्होंने पायल और वेद की शादी कराने का सोचा। पायल इस घर की बहू है और इनके धर्म के अनुसार ये सब चीजें ठीक नहीं है, बट फिर भी इन्होंने किया। सो दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी एंड एवरीवन एंड फॉर यू गाइस एज वेल। वेल मासी सा, अगर उमा के इस फैसले से आपको झटका लगा है तो जरा संभल जाइए, क्योंकि ये तो बस एक शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है।